हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि एवरी वीक हम लोग एक लर्निंग वीडियो अपलोड करते हैं, और मैंने 2-3 दिन पहले आपसे वोटिंग करवाया था और आपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट किया था एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी सिखा दो। सो ये वीडियो में मैं आपको एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ, 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। पहले मैं आपको थियोरेटिकल समझाऊंगा, रूल समझाऊंगा स्टॉप लॉस एंड टारगेट के, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट्स पे एग्जांपल दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। मार्केट ओपन होता है 9:15 को। 9:30 तक 15 मिनट आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, 15 मिनट आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। 9:30 AM को कोई भी स्टॉक, लेट से फॉर एग्जांपल UPL, भारतीय एयरटेल, रिलायंस, ये स्ट्रैटेजी सारे स्टॉक्स में काम करेगा, इंट्राडे के लिए काम करेगा। लेकिन सो आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से रूल्स आपको समझना है। पहले 9:30 AM को कोई भी स्टॉक आपने देखा, उसका हाई आपने मार्क किया, आपने लो मार्क किया। लेट से फॉर एग्जाम्पल ABC एक स्टॉक है जिसने हाई बनाया 9:30 तक 100 रुपीज का और लो बनाया 97 का। ठीक है, आपने हाई लो मार्क कर लिया। अब इसमें रूल्स क्या है, टेक्निक क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल भी देता हूँ। लेट से 9:30 के बाद में 9:45 को या 10 AM को या कभी भी इसका अगर हाई क्रॉस करता है तो आपको बाय करना है, अगर लो टूटता है तो आपको सेल करना है। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। लेट से 100 के ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डे हाई प्लस डे लो डिवाइड बाई 2, यानी 100 प्लस 197, यानी होता है 197 डिवाइड बाय 2 अगर आप करोगे तो आंसर आता है 98.50। 100 के ऊपर जब स्टॉक जाएगा तो आपको बाय करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 98.50। अब आपका 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ, यानी 1:2 आपको मेंटेन करना है, यानी आपका टारगेट हुआ 3 रुपए का, यानी 103 पे आप क्या करोगे, एग्जिट करोगे। ये आपको रूल फॉलो करना है। लेट से अगर स्टॉक नीचे जाता है, पहले 97 टूटा तो 97 अगर टूटता है तो वापस वही आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, हाई लो का एवरेज, जो कि आएगा सेम 98.50, 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा आपका, और नीचे आपका टारगेट हो जाएगा 94। और 94 आने के बाद अगर आपको लगता है कि लेट से और गिर सकता है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने देखा और आपको लगता है कि और गिर सकता है, तो आप उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रूल फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, लेट से आपको एक्सपीरियंस है, तो ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करो, अदरवाइज आप स्ट्रिक्टली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ही फॉलो करो। 3 रुपए का प्रॉफिट मिला तो आपको एग्जिट कर देना है। जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब मैं आपको इसका चार्ट पे एग्जांपल भी देता हूँ तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चार्ट देखते हैं आज का इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक ओपन हुआ था यहाँ पर, आप देख सकते हो 9:15 का कैंडल है, 9:30 तक इसने हाई बनाया था 6:27 का और उसने लो बनाया था 5:95 का, आप देख सकते हो। ठीक है, 627 एंड 595, यानी 627 के जब ऊपर जाएगा तब आप इसको बाय करोगे और आपका स्टॉप लॉस होगा 627 प्लस 595 डिवाइड बाय 2, यानी आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 611 का। अब आपका स्टॉप लॉस हुआ 15 रुपए का, करेक्ट, यानी आपका टारगेट होना चाहिए 30 रुपए का, यानी 627 पे आप बाय करो, यानी आपका 657 का टारगेट। अब देखते हैं हम लोग टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे आपने बाय किया था, उसके बाद प्राइसेस गया है, हाई बनाया है 675 तक, 680 तक, यानी आपका इसमें टारगेट अचीव हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एग्जांपल के साथ। और 2-3 एग्जांपल लेते हैं, सेल वाले भी एग्जांपल लेते हैं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। 9:30 तक इसने हाई बनाया था, आप देख सकते हो 493.95, यानी ऑलमोस्ट 494, और लो बनाया था इसने 476, यानी एक्सिस बैंक में 494 प्लस 476 डिवाइड बाय 2, यानी आपका स्टॉप लॉस होगा 485 का। यानी आपने बाय किया 494 के ऊपर और आपका स्टॉप लॉस हो गया 485, 9 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हुआ, तो आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 18 रुपीज का। 494 पे आपने बाय, 18 रुपीज अगर मैं प्लस को, 510 रुपए तक का आपका टारगेट होना चाहिए, और आप देख सकते हो इसमें भी आपका टारगेट अचीव हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यूपीएल। यूपीएल अगर आप देखो, हाई बनाया 509, लो बनाया 498, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर मैं एवरेज निकालू तो 509 के ऊपर आप बाय करोगे और स्टॉप लॉस होगा आपका 504, यानी 5 रुपए का स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट होगा 10 रुपए का, यानी अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया 519, 520। सो आपको ऐसे मेंटेन करना है, एवरेज ऑफ डे हाई और डे लो का आपका जो एवरेज आता है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंड टारगेट आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 1:2। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, लेट से आपको एक्सपीरियंस है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एडवाइस यही करूंगा
कि स्ट्रिक्टली आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो करो। जब आपका 1:2 का टारगेट अचीव हो रहा है तब आपको पोजीशन क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है। ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे स्ट्रेटजी है, आपको कोई भी स्टॉक में काम आएगा। टाटा स्टील में ट्रेड करो, टाटा मोटर में करो, रिलायंस में करो, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करो, आपको आपको ये काम आएगा। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले आप कैश मार्केट में चालू करो, उसके बाद आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना। डायरेक्टली आप फ्यूचर्स में ये अप्लाई मत करो, पहले आप कैश मार्केट में अप्लाई करो, उसके बाद आप फ्यूचर्स में स्टार्ट करना। सेल के भी एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 9:30 तक इसने लो बना दिया था, आप देख सकते हो 233 का, और हाई बनाया था इसने 239 का। यानी 233 के नीचे आप यहाँ पर, इसके नीचे आप सेल करोगे, आपका स्टॉप लॉस होगा एवरेज प्राइस, यानी अप्रोक्सीमेटली 237 के आसपास आपका स्टॉप लॉस आया होगा, और आपका टारगेट होगा 6 रुपए का। और यहां तक आप देख सकते हो, यहां तक इसने टारगेट अचीव भी कर दिया। ऐसे आपको ट्रेड करना है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील का, 9:30 तक इसने हाई बना दिया था, आप देख सकते हो 290 तक का, और लो बनाया था इसने 285 तक का, आप देख सकते हो। सो 285 के नीचे जब भी ये जाएगा तब आपको सेल करना है, स्टॉप लॉस होगा आपका डे हाई एंड डे लो का जो एवरेज प्राइस आएगा वो, एंड आपका टारगेट होगा 1:2 का। सो आप देख सकते हो ये स्टॉक में भी आपका टारगेट अचीव हुआ है। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा। वापस मैं आपको रिकैप कर देता हूँ स्ट्रैटेजी। 9:30 AM तक जो भी स्टॉक ने हाई बनाया है और लो बनाया है वो आपको मार्क करना है, हाई के ऊपर आपको बाय करना है, लो के नीचे आपको सेल करना है। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस होगा डे हाई प्लस डे लो का एवरेज डिवाइड बाई 2। लेट से अगर आप 100 के ऊपर बाय कर रहे हो तो 98.50 आपका स्टॉप लॉस हो गया, 97 के नीचे अगर आप सेल कर रहे हो तो 98.50 आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपको फॉलो करना है 1:2 स्ट्रिक्टली। लेट से 1.5 रुपए का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 3 रुपए के टारगेट पे आप पोजीशंस को क्या कर दोगे, एग्जिट कर दोगे। आई होप आपको सिंपल इंट्राडे स्ट्रेटजी समझ में आ रहा होगा। इसको बोलते हैं 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, हाई क्रॉस कर रहा है और इंडिकेटर्स और वॉल्यूम के साथ आपको डबल कंफर्मेशन मिल रहा है तो आप इसमें क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। लेट्स से अगर लो टूट रहा है 97 के नीचे जा रहा है और आपको डबल कंफर्मेशन मिल रहा है इंडिकेटर्स एंड वॉल्यूम के साथ तो आप इसमें क्वांटिटी सेल की तरफ बढ़ा भी सकते हो। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा अभी स्टार्टिंग में आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, कैश मार्केट में ट्रेड करो, फ्यूचर्स में आप ये अप्लाई मत करो। जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं, बाकी अगर आप फ्रेशर हो और अगर आपको 3-4 महीने का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मैंने एक सिंपल स्ट्रैटेजी सिखाया है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं मेरे पेड टेक्निकल प्रोग्राम्स में सिखाता हूँ, बहुत सारे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स में सिखाता हूँ। आपने मेरे कॉल्स का एक्यूरेसी देखा होगा। सो अगर आपको सीखना है जनरली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज, आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10th अक्टूबर से हिंदी बैचेस चालू हो रहे हैं एंड 24th अक्टूबर से इंग्लिश लैंग्वेज में बैच चालू होगा। 10th अक्टूबर बैच के लिए सीट रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, आप जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना सीट बुक कर सकते हो। 10th अक्टूबर को हिंदी बैच चालू होगा, 24th अक्टूबर को इंग्लिश बैच चालू होगा। बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स एंड टेक्निक्स मैंने उसमें कवर किए हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्टेड है सीखने में तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आई होप आपको 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगा होगा, इसको अप्लाई जरूर करना, प्रॉफिट कमाओ और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो एंड लाइक करते रहो। आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो और स्ट्रैटेजी अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।